Hello students, how are you? Welcome you again in chemistry class. And our today's topic is concentration of solution. Okay, in this topic we will study different type of units related to concentration of solution or used for expressing concentration of solution. ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे उन सारे यूनिट्स के बारे में जिनको यूज करके हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताते हैं. लेकिन यहां सबसे पहले समझना जरूरी है सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, उसके बाद में हम इनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. तो देखिए यहां एक टर्म यूज में आई है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस. अगर दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं ऐसे कंपोनेंट को अगर आप मिक्स करते हैं, ठीक है, और उनका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो उसे आप कहते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, होमोजीनियस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर के बिगिनिंग के अंदर. ठीक है, अब हम देख रहे हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस. दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया है. हमें पता है वाटर सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, डिसोसिएट होता है बट रिएक्शन नहीं करता है. वाटर में आपने अल्कोहल को डिसॉल्व किया है तो अल्कोहल और वाटर आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं. ठीक है, दे आर मिसिबल्स बट दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस तो है, बिकॉज जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंपोनेंट्स का, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. सो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजीनियस. ठीक है, और होमोजीनियस भी है और नॉन रिएक्टिंग भी है, ध्यान रखना, इसलिए हम उसे सॉल्यूशन कह रहे हैं. तो ये तो बात हुई सॉल्यूशन की. एक चीज और ध्यान रखने आप, आगे काम आएगी हमारे, कि एक्चुअली सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं. एक तो होता है आपके पास सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट. इन दो कंपोनेंट से मिलकर के सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है. अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल. आपको ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, यानी जो कंपोनेंट जो है लेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है उसे आप सॉल्यूट कहेंगे. ठीक है, और वो कंपोनेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे आप सॉल्वेंट कहते हैं, मोर क्वांटिटी. ठीक है ना. और वैसे अगर हम देखें तो आप देखो इसमें लेटर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें लेटर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो जिसमें कम लेटर है वो कम क्वांटिटी में होता है, और जो कम क्वांटिटी में होता है वही सॉल्यूट है. जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा है वो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है. वो एक मैंने याद करने के लिए ट्रिक बताई, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या है. तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी, और दोनों का जो मिक्सचर है होमोजीनियस जो मिक्सचर है दोनों का उसे आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन इज क्लियर. अब बात कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की. चलिए, तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में तीन तरीके, वी हैव थ्री मेथड्स बाय विच वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. पहला मेथड हमारे पास होता है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट को भी मास में, मास बाय मास, और जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है उसे भी आप मास में एक्सप्रेस करें. इसे आप वेट बाय वेट भी कहते हैं. ठीक है ना, वेट बाय वेट से भी आप एक्सप्रेस करते हैं. मोटे तौर पर यू कह सकते हैं एम बाय एम और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू. तो यहां जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो ध्यान रखें, जैसे अगर मैं इसे m बाय m लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहां m किसको एक्सप्रेस कर रहा है, सॉल्यूट को. ठीक है, सॉल्यूट भी हो सकता है और एनी वन कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट भी हो सकता है. और नीचे जो हमने लिखा है ये सॉल्यूशन भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग यूनिट पर डिपेंड करता है कि आप मोलैरिटी बता रहे हैं, मोलैरिटी बता रहे हैं. तो मैं अभी कॉमन लेके चल रहा हूं, तो अभी आपको ध्यान रखना है ऊपर जो है वो तो सॉल्यूट ही होगा, और जो अपॉन में आप लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में वो हमेशा आपके पास या तो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन होगा. तो एक तरीका ये है, मास बाय मास से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनमें आप
मास बाय मास से एक्सप्रेस करते हैं। देखिए पहला फर्स्ट यूनिट आती है मास बाय मास परसेंट, ठीक है, और इसे हम W बाय W परसेंट भी कहते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं केवल क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंट या W बाय W परसेंट एक ऐसी यूनिट है जो कि जिसमें दोनों के मास लिए जाते हैं, दोनों को ग्राम में लिया जाता है, ठीक है, या एक को ग्राम में एक को किलोग्राम में, मास वाली यूनिट काम में लेनी है, ठीक है। सेकेंड जो यूनिट है इसके अंदर मास बाय मास के बाद में वो आती है आपके पास में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से डिनोट करते हैं, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन भी मास बाय मास यूनिट ही है, ध्यान रखें। नंबर थ्री, नंबर थर्ड आता है आपके पास पीपीएम, पीपीएम जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन भी एक मास बाय मास यूनिट है। और एक फोर है आपके पास पीपीबी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमने कुछ चार यूनिट्स बताई हैं जिनका यूज आप करते हैं मास बाय मास को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम, इसे आप ध्यान रखें, वेट बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं। और अगर हम मास बाय वॉल्यूम कह रहे हैं तो हमारा मतलब है एम बाय वी, और इसका मतलब है डब्ल्यू बाय वी, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो यहां जैसा मैंने आपको कहा कि ऊपर जो आप लिख रहे हैं, जैसे आप एम बाय वी लिख रहे हैं, तो यहां एम तो किसको एक्सप्रेस कर रहा है आपके पास, सॉल्यूट को, यानी सॉल्यूट को किस में एक्सप्रेस करेंगे, मास में, एम से। और अपॉन में वी लिख रहा हूं तो वी किसको, या तो ये सॉल्वेंट हो सकता है या ये सॉल्यूशन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इन केसेस में सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है ना। यहां पर तो आप ध्यान रखें कि ये सॉल्यूशन के लिए यूज में ले रहे हैं अपन भी, और एम जो है वो सॉल्यूट के लिए यूज में ले रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, देखें, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट यूनिट इज एम बाय वी परसेंट, इसे आप डब्ल्यू और W बाय वी परसेंट भी कहते हैं, यानी मास वॉल्यूम परसेंट या वेट वॉल्यूम परसेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें मास सॉल्यूट का होता है और वॉल्यूम जो है वो किसका होता है, सॉल्यूशन का, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको हम ऑब्टेन करते हैं। नंबर टू, नेक्स्ट आता है हमारे पास में मोलैरिटी। अब मोलैरिटी से एक चीज याद आ गई जो हमने उसमें छोड़ दी है, यहां पर हमने एक मोलैरिटी छोड़ दिया है नंबर फाइव, ठीक है ना, मोलैरिटी, मोलैरिटी, एक्चुअली मोलैरिटी जो है, ध्यान रखें ये मास बाय मास परसेंट का ही एग्जांपल है, मोलैरिटी के अंदर दोनों ही मास में आते हैं। अब देखिए मोलैरिटी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो मोलैरिटी जो है उसमें भी आपके पास मास बाय वॉल्यूम आएगा, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और नंबर थ्री आता है आपके पास नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, इसको भी मास बाय वॉल्यूम से एक्सप्रेस करते हैं। नंबर फोर आता है आपके पास फॉर्मैलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं करना है, फॉर्मेलिटी को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये चार यूनिट हमने ऐसी बनाई हैं जो कि मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस होती है। अब इन दोनों के बारे में एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि देखिए यहां पर अगर आप गौर करें तो आपके पास दोनों चीजें जो है वो मास में एक्सप्रेस है, ठीक है, सॉल्यूट का भी मास ले रहे हैं, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का भी मास ले रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं हीट करता हूं इस तरह के सॉल्यूशन को जिनमें ये यूनिट्स हैं, तो इन यूनिट्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मास बाय मास यूनिट्स, ठीक है, चाहे वो मोलैलिटी हो, पीपीबी हो, पीपीएम हो, मोल फ्रैक्शन हो, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैन यू गेस, बता सकते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान रखना ये टेम्परेचर से, ये सारी यूनिट्स जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ध्यान रखना कि मास जो होता है, मास इज नॉट अफेक्टेड अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी जो हम देख रहे हैं यहां पर चार यूनिट्स, इन सब यूनिट्स के अंदर आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, ठीक है, इन सब में आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आपके नीचे नजर नहीं आ रहा है शायद, तो नीचे वाली लाइन है,
अगर नजर नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया है तो आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो चार यूनिट हमने देखी है, इन सब के अंदर हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम है अपॉन में, ठीक है। तो यहां क्योंकि वॉल्यूम है तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन ऑब्वियसली वॉल्यूम विल चेंज, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ध्यान रखना वॉल्यूम में और मोलैरिटी में, वॉल्यूम में और ये जो यूनिट्स है, क्योंकि ये सब में वॉल्यूम अपॉन में है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें ये सारी यूनिट्स जो है वो इनमें क्योंकि वॉल्यूम है तो दे विल बी अफेक्टेड बाय कंसर्न इससे, टेम्परेचर, टेम्परेचर से अफेक्ट होंगी। तो आप ये कह सकते हैं दे डिपेंडेंट, दीज यूनिट्स आर, या कहें दे आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो ये ध्यान रखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी यूनिट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो ये जो हमने यूनिट्स बताई है दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड दे ऑल आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर सॉरी। और इसके बाद जो लास्ट यूनिट आती है हमारे पास में जो हम पढ़ेंगे वो है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह की यूनिट है। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास में वी बाय वी परसेंट, ठीक है ना, वी बाय वी परसेंट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास में जो वी बाय वी है तो यहाँ ये ऊपर वाला वी जो है ये सॉल्यूट है, इसका वॉल्यूम, और नीचे जो है वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन और दोनों ही हम वॉल्यूम में ले रहे हैं, तो इस तरह की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस तरह भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई है कि कंसंट्रेशन को किस कितनी यूनिट से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इन सब यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी, देखते हैं। लिख लिया होगा आपने, रफ कर रहा हूं मैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंट कंसंट्रेशन, परसेंट कंसंट्रेशन। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो परसेंट कंसंट्रेशन है वो तीन तरह की थी, तीन पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं परसेंट कंसंट्रेशन को। पहली जो हमने परसेंट कंसंट्रेशन देखी थी दैट वाज मास बाय मास परसेंट, ये हमने कहा था मास बाय मास परसेंट। सेकेंड जो हमने देखी वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और थर्ड जो है हमारे पास वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब इसका मतलब समझ लें, हम इसके लिए फॉर्मूला जो यूज में आता है उसको समझ लें अच्छी तरह से। देखिए अगर आप मास बाय मास परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो इसको फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो स्मॉल एम है ऊपर, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम में किसी सॉल्यूट का मास है आपके पास, देन डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास, ठीक है, ग्राम में या किलोग्राम में, यूनिट सेम रखनी है आपको, ये चीज ध्यान रखना, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। इसको मैं सिंबॉलिकली भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन एक चीज और समझे आप इससे पहले कि यहां पर देखो इसको तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम में, और अपॉन में मैं यहां लिख रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो यहां मैं लिख सकता हूं कि सॉल्यूट मास ग्राम में है ना, प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ये भी ग्राम में, और मल्टीप्लाइड बाय 100, यू लिखा जा सकता है इसको। ध्यान रखना ये दोनों का मास है इसलिए मैंने आगे ब्रैकेट में ग्राम लगा दिया है। तो यहां इसके लिए अपन क्या एक्सप्रेस करेंगे, यूनिट ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं मास ऑफ सॉल्यूट के लिए तो ले रहा हूं डब्ल्यू बी अपॉन, यहां सॉल्यूट वापस, तो डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय 100, यू लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया मास बाय मास परसेंट फाइंड करने का, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं कि इसमें ध्यान रखना इस पूरे पोर्शन में हम बी जो है वो सॉल्यूट को कंसिडर करेंगे और ए जो है हम सॉल्वेंट को कंसिडर करेंगे। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना, कीप इट इन योर माइंड दैट बी विल ऑलवेज बी
सॉल्यूट एंड ए विल ऑलवेज बी सॉल्वेंट. ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग हो सकता है, लेकिन हम यहां पर ये कंसिडर करके चल रहे हैं. इट विल मेक एवरीथिंग इजी वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, तो फर्स्ट हो गया हमारे पास में. अब इस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है और आपको मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, बी और ए का मास दिया हुआ है, तो कैन यू इजिली फाइंड इट आउट, कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया. सिमिलरली अगर आप मास बाय वॉल्यूम परसेंट लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे. देखिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंट तो इक्वल्स टू, ऊपर तो क्या आना चाहिए आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, और नीचे आपको यूज में लेना है वॉल्यूम. ठीक है, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह से लिखेंगे. अब इसको एक काम करते हैं, हम थोड़ा फॉर्मूले वाइज लिख देते हैं. तो मास ऑफ सॉल्यूट किस तरह से एक्सप्रेस करें, डब्ल्यू बी, अभी हमने सॉल्यूट को बी से एक्सप्रेस किया, उसका मास है तो डब्ल्यू बी. ठीक है, और वॉल्यूम को कैसे लिखें, वी फॉर वॉल्यूम, और क्योंकि हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कह रहे हैं तो सॉल्यूशन में दोनों इंक्लूड है, ए और बी, तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं डब्ल्यू ए प्लस बी. तो आप समझ जाएंगे, समझदार है, ए और बी का वॉल्यूम दोनों आ गया और मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, एम बाय वी परसेंट हो गया ये. तो ये लो जी, ये फॉर्मूला बन गया इसको फाइंड करने का. ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं. तो नेक्स्ट यहां पर आता है वी वी परसेंट. अब वी वी परसेंट में देखो, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम. ठीक है, तो यहां पर इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वी बाय वी परसेंट, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और अब वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का. 100 लिखने की तो जगह बची नहीं, तो नीचे अपॉन इंटू 100 कर देता हूं मैं. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम लिख देते हैं, वी बाय वी परसेंट इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, वी बी प्लस वी ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है किसका, v बाय v परसेंट का. ठीक है, तो अपॉन में आपके पास हमेशा सॉल्यूशन है, यहां पर ध्यान रखना है, यहां भी सॉल्यूशन है अपॉन में, यहां भी सॉल्यूशन है और वहां भी सॉल्यूशन, बस फर्क इतना है क्योंकि यहां m बाय m में नीचे अपॉन में m है, तो ये सॉल्यूशन का मास है, या m बाय v है तो v नीचे है, दैट मीन सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. अगेन यहां पर v नीचे है अपॉन में, तो वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया कि इस तरह से आप इसके फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. अब दूसरी चीज ये कि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस में आपको परसेंट ऑलरेडी दिया होता है और आपको ये फाइंड करना होता है कि उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है. तो एक बार इस तरह के कुछ अपन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. सपोज वी हैव, हमें दिया गया है कि 5 W% NaOH सॉल्यूशन. ठीक है, आपको 5 WW% NaOH सॉल्यूशन दिया और सॉल्यूशन भी कैसा है, एक्वस है. एक्वस का मतलब समझ गए ना, वाटर सॉल्यूशन है. तो आपसे पूछा जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है. अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं एक तो NaOH, एक लिख रहा हूं मैं यहां सॉल्यूशन, और यहां लिख रहा हूं मैं वाटर. तो अब आपको क्वांटिटी बतानी है कितनी है. तो देखो NaOH की क्वांटिटी कितनी होगी, इसमें कितनी होनी चाहिए, 5 ग्राम. अगर आपको 5 WW% दिया हुआ है तो इसका मतलब 5 यहां पर किसको एक्सप्रेस कर रहा है, भाई परसेंट है, दैट मींस 100 पार्ट्स में से पूछा गया है. ठीक है ना, तो यहां पर ये पूछा गया कि 100 पार्ट्स में से 5 पार्ट इसके, दैट मींस यहां पर ये 5 ग्राम है. ओके, और सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज फाइंड किया आपने, दैट मींस 100 पार्ट्स में से, तो सॉल्यूशन 100 हो गया, तो सॉल्यूशन को आप 100 कंसिडर कर रहे हैं, 100 ग्राम. तो अब आपके पास वाटर कितना होना चाहिए, वाटर क्या है यहां पर, सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 100 में से 5 को सेपरेट कर दें आप, तो कितना आएगा, 100 माइनस 5 इक्वल्स टू 95 ग्राम. ठीक है ना, इजी है, डिफिकल्ट थोड़ी है. तो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है. अब दूसरे केस में आते हैं, देखिए सेकेंड केस में अगर आपको एमवी परसेंट में कोई वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखना इसे अपन स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं. अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन में एम अपॉन वी परसेंट दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ. इसे स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ. जैसे आपको कहा कि m, ठीक है, ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है, तो इसका मतलब इस m मतलब
5 ग्राम पर लीटर जो है वो सॉल्यूशन की क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक स्ट्रेंथ दे रहा हूं सॉल्यूशन की। जैसे सपोज आपके पास में है 10 MV% H2SO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, जहां मैं केवल सॉल्यूशन लिख रहा हूं दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब आपको ये बताना है कि यहां पर H2SO4 का की क्वांटिटी कितनी होगी और सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी और साथ ही साथ उसमें वाटर कितना होगा। ये तीन चीजें आपको बतानी है। तो यहां देखो एक प्रॉब्लम आने वाली है, वैसे आपको कोई बात नहीं, देखते H2SO4 की क्वांटिटी बताइए कितनी होनी चाहिए। तो H2SO4 के लिए आप देखो यहां लिखा 10 m/v%, तो इसका मतलब जो 10 है वो मास ऑफ, क्योंकि m लगाया हमने ऊपर, अब m है तो इसका मतलब मास गिवन है और ग्राम में है वो, तो 10 ग्राम आपके पास में, यू हैव 10 ग्राम H2SO4। अब अपॉन में आपके पास v है यहां पर, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे आपके पास क्वांटिटी है, क्योंकि 100 पार्ट्स में से निकाल रहे हैं तो जो 100 पार्ट है वो किसका है, वॉल्यूम का है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ml। तो अब H2O कितना होगा, तो अब स्टूडेंट फटाफट जो है वो फाइंड कर लेंगे इसको 100 में से 10 माइनस करके, 100 ml में से 10 ग्राम को माइनस करके 90 बता देंगे। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर दोनों की यूनिट जो है वो डिफरेंट है। तो आप 100 ml में 10 ग्राम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको कहा जाए कि भाई 100 किलोमीटर में से 10 किलोग्राम घटा दो, कितना बचेगा? घटा सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? नो। तो इसलिए जब तक इनकी यूनिट सेम नहीं है यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देम, आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट यू हैव टू डू इज क्या करना है आपको, इनकी पहले यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा। तो यहां मैं अगर इसको फाइंड करना चाहूं इस स्थिति में, इस कंडीशन में, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कब तक? जब तक आपको यहां पर डेंसिटी गिवन नहीं है। अगर एक बार आपको डेंसिटी दे दी जाए तो आप डेंसिटी से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, डेंसिटी से आप मास फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप यहां पर इस H2 की क्वांटिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये हम क्वेश्चन लेंगे उस समय, इसको डिस्कस करेंगे। बाकी फिलहाल हम इस परसेंट से केवल ये दो चीजें ही बता सकते हैं, हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी नहीं बता सकते। ठीक है, आगे चले। अब नेक्स्ट, अगर हमें यहां दे दिया गया, सपोज वी हैव 20 V% HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन है इसका, एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहां पर आपको बताना है, तो आप देखिए आपके पास तीन चीजें इसमें, एक तो HNO3 है, एक सॉल्यूशन है आपके पास पूरा, और एक सॉल्वेंट की फॉर्म में आपके पास वाटर है, सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर है। अब तीनों की क्वांटिटी हमें बतानी है कितनी होगी। तो HNO3 की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 20 लिखा हुआ है यहां पर, तो 20 ग्राम नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि V% है, दैट मींस ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को ml में, मिलीलीटर के अंदर आप एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर ये 20 ml है तो आपके पास सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ml। ठीक है ना, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है, तो परसेंट तो 100 में से ही फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया है, HNO3 का वॉल्यूम आ गया है। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज नेक्स्ट, कि 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है, और इफ यू सब्ट्रैक्ट 20 आउट ऑफ 100 देन यू विल गेट 80। तो 80 ml ही आएगा यहां पर, क्योंकि दोनों यूनिट तो सेम है, तो आपके पास सॉल्वेंट कितना आ गया, 80 ml आ गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, अगर हमें mm%, mv% या vv% में वैल्यूज दी हुई है तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना होगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देख लीजिए इससे रिलेटेड, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन भी अपन खुद ही फ्रेम कर लेते हैं, सिंपल हो सकते हैं इसमें आसानी से। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में दिया गया 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 20 ग्राम NaOH को आपने वाटर में डिजोल्व करके 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, और आपको कहा गया फाइंड
its concentration in mv percent. इसकी कंसेंट्रेशन आपको एमवी परसेंट में फाइंड करनी है, ठीक है? तो आप कैसे फाइंड की जाए? अब कंसेंट्रेशन फाइंड करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज में लेना एमवी वाला, तो एम अपॉन वी इक्वल्स टू आप कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एमबी सॉरी अपॉन वी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था इसके लिए, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमें ये देखना है कि यहां पर डब्ल्यू बी क्या है, वॉल्यूम क्या है. तो देखो 20 ग्राम आपको यहां दिया हुआ है, 20 ग्राम प्रॉब्लम आएगी आपको. खैर चलो देखते हैं सॉल्यूशन करेंगे उसका. इसमें क्या है कि आपको डेंसिटी भी दी जानी चाहिए. एमवी परसेंट में कैसे करोगे इसको, तो एमएम परसेंट में करोगे ना, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं. एक काम करें, देखो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 20 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 180 ग्राम वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि एमएम परसेंट का पहला क्वेश्चन आएगा. तो उसकी कंसेंट्रेशन आपको फाइंड करनी है, सॉरी अब हो जाएगा. तो देखिए आप एमएम परसेंट फाइंड करें, तो एमएम परसेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है. तो डब्ल्यू बी क्या है आपके पास, सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, ओके. और आपके पास जो सॉल्वेंट है डब्ल्यू ए, तो सॉल्वेंट कैसे पता लगेगा कि आपने 20 ग्राम को कितने में डिजोल्व किया है. तो यू डिजोल्व 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन 180 ग्राम इज सॉल्वेंट. तो ये आपके पास 180 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है. अब हमें यहां पर सॉल्यूशन चाहिए, वैसे यहां ला सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है. तो WB आपने 20 रखा है, WA आपके पास 180 प्लस ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 20 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको इससे 10 टाइम्स, तो 10 एम एम परसेंट आपके पास सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन आ गई, ठीक है ना. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी हो जाता है इसमें, लेकिन देखते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट देखें, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम. तो पहले एक बार सिंपल वाले देखें हम. अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन एमवी परसेंट का. अब एमवी परसेंट में इस तरह से हो सकता है, जैसे सपोज 40 ग्राम NaCl, NaCl इज डिजोल्व, आपने 40 ग्राम NaCl को डिजोल्व किया, डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व किया टू फॉर्म 360 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 60 ml सॉल्यूशन. तो आपने 360 ml सॉल्यूशन बनाया और आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड इट्स कंसंट्रेशन इन mv परसेंट में इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करें. तो यहां ना समझना बहुत जरूरी है एक चीज को, कि सॉल्वेंट कब है सॉल्यूशन कब है. अब जरा एक बार गौर करना देखो, तो आपको यहां जो दिया है 40 ग्राम, ये आपके पास सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, ये क्या है आपके पास सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को हम क्या लिखते हैं डब्ल्यू बी, ये आपके पास 40 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि आप इसको डिजोल्व कर रहे हैं, एक्सेस के अंदर नहीं है, ये लेस क्वांटिटी में एक्सेस में वो है 360 ml. तो आपने क्या किया, इसको 40 ग्राम NaCl को डिजोल्व करके वाटर में सॉल्यूशन बनाया 360 ml, सॉरी, तो 360 ml सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट नहीं है. तो सॉल्यूशन दे रखा है आपको डायरेक्ट, सॉल्वेंट नहीं दे रखा है. तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी ml में है, तो इसको V A प्लस B दोनों ही लगा दूं मैं, क्योंकि उनका मिक्स वॉल्यूम है, और यह 360 ml. और आपको फाइंड करना है क्या एमवी परसेंट. तो एमवी परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बी अपॉन वी ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 100. अब आप क्या करेंगे, डब्ल्यू बी रखेंगे 40 और वॉल्यूम रखेंगे 360 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना. जीरो से जीरो को कैंसिल कर दे और सॉल्व कर ले इसको, 4 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 100 अपॉन 9, और इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 9 9 जा 81 9 10 जा 9, अच्छा हो जाएगा डिवाइड, ओके. तो ये आ जाएगा 9 10 जा 90, हो रहा है आराम से 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो यानी 99 तो गया आपका, 11 टाइम गया 10, फिर 1 1 कुछ आ रहा है साइड, है ना, आई थिंक 11.11, ठीक है, एम वी परसेंट आपका ये आंसर आ जाएगा.
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कब आती है इस तरह के क्वेश्चन में, प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा हो, सॉल्यूशन का मास दे रखा हो, इन दैट केस यू फील प्रॉब्लम। देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें अपन, देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। और यहां पर यह दिया गया है 40 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म 360 की जगह हम कर देते हैं 400 ग्राम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, 400 ग्राम सॉल्यूशन बनाया और फाइंड इट्स कंसंट्रेशन इन MV% में इसकी कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, देखो आपको दे रखा है WB जो है 40 ग्राम, ठीक है, दूसरा आपको जो दे रखा है 400 ग्राम, ये आपको दे रखा है सॉल्यूशन, क्योंकि इसने क्या कहा है 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का 400 ग्राम है, दैट मींस WA प्लस B दोनों का मिक्स वॉल्यूम जो है आपके पास 400 ग्राम है, ठीक है। साथ में इसने एक हिंट दिया आपको, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को बिना हिंट के नहीं कर सकते, और हिंट में इसने क्या दिया है, हिंट में दिया है कि डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है दैट इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, ये डेंसिटी आपको इसने दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है। अब हमें क्या करना है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें फाइंड करना है MV%, और MV% का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं WB अपॉन, और वॉल्यूम इधर आता है VA प्लस B, ठीक है, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे पास WB तो है बट वी डोंट हैव वॉल्यूम, हमारे पास AB का वॉल्यूम नहीं है, और AB क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है। अब है क्या हमारे पास, फिर हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास डेंसिटी है, ठीक है, तो आप डेंसिटी से आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, प्रॉब्लम है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो और मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को बाहर ले लेते हैं, तो इसको बाहर लेते हैं तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। मास कितना गिवन है, देखो आपके पास मास कितना है सॉल्यूशन का, 400 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.25, ठीक है ना, 1.25 डेंसिटी आ गई। तो अब ये वैल्यू हम यूज में ले सकते हैं, आपको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल मत करो उसको, डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी आपके पास वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया आपके पास 400 डिवाइडेड बाय 1.25, इसको अपन एज ए वॉल्यूम काम में लेंगे, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो WB की वैल्यू पुट करें आप, कितना आ रहा है 40 अपॉन, देन वॉल्यूम आपके पास कितना आ रहा है, वॉल्यूम आ गया 400 और ऊपर चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में 1.25, ठीक है, कैंसिल कर देते हो तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो कितना सिंपल हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 से 20 को कैंसिल कर दो ये लो, और आपको क्या करना है 40 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा क्या, करके देख लेना, मैं तो ऐसे गैस कर रहा हूं, शायद इतना आना चाहिए कि 40 का 25% और बढ़ाना है आपको, 50 आना चाहिए ना, 50.00, ठीक है, तो MV% में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो ये हम मास वॉल्यूम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, अगर वहां पर डेंसिटी गिवन हो या डेंसिटी वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो इस तरह से उसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन और ले ले VV% पर, मजा आ रहा है, वेरी गुड, अब जब आप खुद सॉल्व करोगे तो और भी मजा आएगा, नहीं और भी इंटरेस्ट आएगा, यू विल एंजॉय इट, आप इसको एंजॉय करेंगे, ओके, देखते हैं आगे। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन वीवी परसेंट पर लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, तो इसमें हम ले रहे हैं जैसे सपोज 15 ml ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 185 ml वॉटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए हमने
15 ml H2SO4 को 185 ml वाटर के अंदर डिजोल्व किया, ठीक है। और हमेशा ऐसा ही करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 बनाना है तो कभी भी आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को डालेंगे। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को ऐड करेंगे, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो जिस कंटेनर में आप, अगर आपने उसको ग्लास टम्बलर में या ग्लास कंटेनर में ले रखा है, तो कंटेनर ब्रेक हो जाएगा। आपको उल्टा करना है। आपको क्या करना है, जितना सॉल्यूशन बनाना है पहले उसके अकॉर्डिंग वाटर ले लो और फिर उसमें धीरे धीरे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते जाओ, उसको स्टीयर करते जाओ, क्योंकि ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होती है। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे, चाहे वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो दोनों, और जैसे रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, अपने आप ही गर्म हो जाता है, ठीक है, सरप्राइजिंग। देखिए तो ये कह रहा है कि 15 ml ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 185 ml वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो फाइंड इट्स कंसेंट्रेशन इन वीवी परसेंट। तो वीवी परसेंट में कंसेंट्रेशन फाइंड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपके पास देखो वी बी और वी ए दे रखा है, तो वी बी कितना है 15 ml, सॉल्यूट 15 ml है, और सॉल्वेंट कितना है, इट इज आल्सो 185 ml सॉल्वेंट है। देखो इतना वाटर, अगर सॉल्यूशन होता तो फिर मैं सॉल्वेंट नहीं मानता उसे, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी बाय वी परसेंट इक्वल्स टू वी बी अपॉन वी ए प्लस बी टोटल यहां जाएगा, या फिर इसको यू भी तो लिख सकते हैं, वी ए प्लस वी बी बात एक ही है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वी बी कितना है 15 डिवाइडेड बाय 185 प्लस 15 इंटू 100, तो इट विल बिकम 200 नीचे अपॉन में और मल्टीप्लाइड बाय 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दें, 7.5 वी परसेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में परसेंट कंसेंट्रेशन। तो इस तरह से परसेंट कंसेंट्रेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको इजिली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ परसेंट कंसेंट्रेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं मास, सॉरी कुछ और यूनिट्स के बारे में। सारी यूनिट तो आज कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन जितनी पॉसिबल है उतनी हम करवा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट अपन ले लेते हैं, उठा लेते हैं इसमें से कौन सी उठाएं मोलैरिटी, इट इज माय फेवरेट वन। तो मोलैरिटी अपन पहले लेते हैं, ठीक है। तो एक एक सभी कवर करेंगे, जो भी हमने वहां चार्ट बनाया था वो सारी यूनिट्स हम कवर करेंगे, एक एक करके सब देखेंगे। तो सबसे पहले मोलैरिटी ले रहे हैं, ठीक है। मोलैरिटी एक्चुअली मोलैरिटी क्या होती है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम से क्या मतलब है, यूनिट वॉल्यूम से मेरा मतलब है वन लीटर वॉल्यूम, इसका 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये मोलैरिटी है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है मोलैरिटी की, इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल एन, ध्यान रखना, एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल एन, इससे एक्सप्रेस करते हैं। स्मॉल एन से कर दोगे तो वो मोलैरिटी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, यू हैव टू यूज ऑलवेज कैपिटल एन फॉर मोलैरिटी, है ना। इसके लिए हमेशा कैपिटल एन यूज करें। एक इसकी यूनिट भी ध्यान रखें, यूनिट जो होती है इसकी ध्यान रखना, मोल पर लीटर होती है, और केवल आप एम भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। पीछे अगर आप पीछे एम लगा रहे हैं तो इसका मतलब मोलैरिटी है, या फिर मोल पर लीटर लिखे। अब जरा हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो अभी जो मैंने बताया इसकी डेफिनेशन, कि एक्चुअली मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं एन बी से डिनोट कर रहा हूं, बी वापस वही जैसा मैंने कहा था सॉल्यूट का एक्सप्रेस करेगा, ध्यान रखना। और अपॉन में क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए मैं यहां कुछ नहीं लिख रहा, और यहां एमएल, सॉरी इसको लीटर में लिख रहा हूं, ठीक है ना, लीटर में इसका वॉल्यूम हो गया। तो यहां मैं एक बार इसको बता भी देता हूं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट, ये तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, और ये जो है V हमारे पास, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, तो नंबर ऑफ मोल इज एक्सप्रेस्ड एज NB इक्वल्स टू WB अपॉन MB, ठीक है। तो WB क्या होता है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास है, और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास है। तो अगर मैं ये दोनों चीजें यहां रख देता हूं NB की जगह, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, देखो WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय V इन लीटर, ऐसे बनेगा। लेकिन अब कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा वॉल्यूम लीटर में दिया जाए। सेम क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है जहां आपको WB गिवन है, मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, और वॉल्यूम लीटर में नहीं देगा कि ML में, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसको ML में लेता हूं, ठीक है ना, एम डब्ल्यू बी अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय V, और यहां मैं ML में ले रहा हूं, लेकिन मैंने यूनिट क्या बताई, मोल पर लीटर, तो आपका आंसर तो मोल पर लीटर में ही आना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपका आंसर किस में आएगा, ML में आएगा, तो ML में नहीं आना चाहिए, मोल पर लीटर में आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से, तो ML लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये 1000 कहां जाएगा, फिर इस 1000 को आप यहां ऊपर लगाओ। अब मेरी बात पर गौर करना, यहां ML में वॉल्यूम रख रहे हो आप, उसके बाद भी आपका आंसर किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। अब पता है ना क्यों आएगा मोल पर लीटर में, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां जो 1000 यूज में लिया है वो इसलिए लिया है कि ML लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहां वैल्यू तो ML में रखोगे, लेकिन आपका आंसर मोल पर लीटर में ही आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज मोस्टली यूज फॉर मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए यूज में आने वाला ये फॉर्मूला है। अब दूसरी बात आती है, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था सम ऑफ द यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड सम ऑफ द यूनिट्स आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो आप मुझे बताओ कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, करेगी या नहीं करेगी, बताओ, रिमाइंड करो, क्या बताया था, करेगी। ओके, देखो क्यों करेगी, क्योंकि आप देखना यहां मोलैरिटी वॉल्यूम से इफेक्ट हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमने कहा था कि वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो नेचुरल है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इट विल आल्सो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलैरिटी एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन में आ रहे हैं ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको बढ़ाता हूं तो ये वैल्यू घट जाएगी, तो इसका मतलब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली रिलेशन देखें दोनों में, तो क्या हुआ कि आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, मोलैरिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप समझ में आ गई, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं मोलैरिटी इज नॉट अ गुड यूनिट टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इट वेरीज विद द टेम्परेचर, विद द चेंज इन टेम्परेचर, सो दैट्स वाई इट इज नॉट डिजायरेबल यूनिट। वॉट कैन बी द डिजायरेबल यूनिट, इन विच देर इज नो वॉल्यूम, देर इज ओनली मास, जिसमें केवल मास है वो डिजायरेबल है, क्योंकि मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, जैसे मोलैरिटी अपने बताया मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मास मास परसेंट, तो पीपीएम पीपीपी, तो वो सारी चीजें क्या है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, मोलैरिटी किसको कहते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, तो टाइम तो इस वीडियो को आई थिंक हो गया होगा 40 मिनट का, तो वीडियो हो गया होगा, ओके 45 मिनट, तो यानी अपन ये सोचते हैं 15 मिनट में इसको अपन फिनिश कर देते हैं टॉपिक को, ना एक दो एग्जांपल लेकर के, क्योंकि एक घंटे से ज्यादा तो बच्चे भी क्या है थोड़ा सा रोस्ट हो जाते हैं, रोस्ट जानते हो, रोस्ट, ओके चलिए देखते हैं आगे। तो एक न्यूमेरिकल ले लें अपन अपनी तरफ से, एक मोलैरिटी से रिलेटेड, देखिए एक क्वेश्चन ले रहे, बहुत इजी सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो हम ले रहे हैं 20 ग्राम NaOH, माय फेवरेट, 20 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व
बच्चे सोच रहे हैं सर एनएच आपका फेवरेट कैसे हो सकता है। एक्चुअली एनएच फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसका जो मोलर मास है 40 आता है, और जब आप कैलकुलेशन में रखते हैं ना तो बहुत इजीली कट हो जाता है, आसानी से कट के बड़ा फटाफट आंसर आ जाता है, तो इट इज माय फेवरेट। इसलिए मैं जब न्यूमेरिकल कराता हूं तो एनएच को सबसे ज्यादा लेता हूं। तो 20 ग्राम एनएच इज डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, 20 ग्राम एनएच को 360 ग्राम, अरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी ना, वॉल्यूम चाहिए हमें, तो इसमें एक सेकेंड, 20 ग्राम एनएच इज डिजॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म 400 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 400 ml सॉल्यूशन बना दिया हमने, और आपको कहा गया फाइंड इट्स कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। ठीक है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलैरिटी में फाइंड करें क्या होगी, करें कैसे फाइंड करेंगे देखें। तो फाइंड करने के लिए पहले तो देख लो गिवन वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि पहले गिवन वैल्यू लिख लो आप। तो WB यानी मास ऑफ NaOH 20 ग्राम, ठीक है, देन फिर उसके बाद में आप देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो सॉल्यूशन V है ना, इसका वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का आपको ml में दिया हुआ है सीधी, तो ये दिया हुआ है आपको 400 ml, और कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक चीज हम और इसमें जो हमें चाहिए वो है NaOH का मास, तो मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि NaOH का मास डायरेक्ट क्या बता ही देता हूँ। देखो कैसे फाइंड करेंगे, Na का मास लिखेंगे, O का और H का, तो Na का होता है 23, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, और टोटल करते हैं तो कितना आता है 14, तो 14U जो है इसका मास है। ठीक है, तो ये आपके पास MB आ गया इसका मोलर मास। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो फॉर्मूला था मोलैरिटी इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय V ml में और यहां पर 1000, ये फॉर्मूला था हमारे पास। वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करने पर WB की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB, MB कितना है 40 और वॉल्यूम कितना है आपके पास 400। लो जी, ये हमारे पास इक्वेशन तैयार। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 2 3 1 2 3 कट कर दिया, 4 को इससे 5 टाइम कैंसिल कर दें, कितना आ गया 5 अपॉन 4 मतलब 1.25। क्या लिखे आगे यूनिट, मोल पर लीटर लिख दो आप चाहो तो, मोल पर लीटर या फिर लिख सकते हो एम, इन दोनों में से कोई एक यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया इसमें मोलैरिटी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई हमें, प्रॉब्लम आएगी बेटा, इतना इजी नहीं होता जो हम सोचते हैं, जितना आसान उतना नहीं होता, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे इसको आप सॉल्व करना, ठीक है ना, पॉज करके सॉल्व करना, देखते हैं कौन पहले करता है ना, फिर उसके बाद मैं तो बताऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, यू हैव बीन गिवन सही है क्या, सही है वैसे, ओके, यू हैव बीन गिवन, आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं हम जिसकी मास वॉल्यूम परसेंट में है, जो यू हैव बीन गिवन 4.9 mv% सॉल्यूशन। ठीक है, आपको 4.9 mv% सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो और किसका सॉल्यूशन है, mv% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का सॉल्यूशन दिया है, और फाइंड इट्स मोलैरिटी इन मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर में इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है आपको, करो देखो इसको एक बार पोज करके देख लो आप, अगर आपसे होता है तो। ठीक है, चलिए कर लिया होगा आपने, तो अब अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपको को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले में वैल्यूज है वो चाहिए आपको, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय वी एम एल में मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब आप देखो इनमें से कौन कौन सी चीज आपको यहाँ गिवन है, ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें केवल बस ये दिया हुआ है और इसी के बेस पर हमें सब कुछ फाइंड करना है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी आज ही के लेक्चर में, इसी वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आपको दिया हुआ है 4.9 MV परसेंट H2SO4 सॉल्यूशन और आपसे मैं तीन चीजें पूछता हूं, H2SO4 कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा और उसमें वाटर कितना होगा, तो आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो कि यहां पर जो ये 4.9 MV परसेंट है दैट मींस ये किसकी क्वांटिटी को बताता है, सॉल्यूट की, और ये क्योंकि ऊपर M लिखा हुआ है नीचे V तो इसका मतलब ये इसका मास है 4.9, दैट मींस 4.9 ग्राम आपके पास H2SO4 है जो हमने डिसॉल्व किया है, और सॉल्यूशन का कितना होगा क्योंकि परसेंट में है तो कितना लोगे, 100, इसे 100 लोगे, अब 100 ग्राम लोगे या वो ml लोगे बताओ, ml लोगे क्योंकि यहां पर क्या है वॉल्यूम दिया गया तो इसलिए यहां पर हो गया 100 ml, ठीक है। अब H2O फाइंड करो, H2O कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे, कर सकते हैं क्या बताओ भाई, ml में ग्राम तो घटा ही नहीं सकते, क्यों घटाना है, चाहिए ही नहीं, आप देखो सॉल्वेंट चाहिए क्या इस फॉर्मूले में, नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वो मिल गया भाई, आपको WB चाहिए वो ये रहा, आपको इसमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का वो ये रहा, ml में वॉल्यूम रहा, और क्या चाहिए, MB, MB तो हमें पता है H2SO4 का फाइंड करना पड़ेगा, H2SO4 का MB कितना होता है, H2SO4 के लिए अगर मैं MB फाइंड कर रहा हूं तो इसका मोलर मास फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 1 इंटू सल्फर, सल्फर का मास, और 4 इंटू ऑक्सीजन का मास, ऐसे तो फाइंड करोगे, तो यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16 और करोगे तो कितना आएगा 98, तो 98 H2SO4 का क्या आ गया, मोलर मास आ गया। अब ये मोलर मास यहां रख दो आप, m इक्वल्स टू क्या है, WB की वैल्यू पुट करो पहले, 4.9 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB, MB क्या होगा 98, ठीक है 98, देन वॉल्यूम कितना आएगा आपके पास, यूनिट नहीं रखा है बाद में लगा देंगे ना, वॉल्यूम कितना है देखो, वॉल्यूम कितना आ रहा है 100 ml, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, एक काम करें देखो, एक पॉइंट हटा दो यहां से, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो 49 हो गया ही अपॉन 98 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और नीचे भी कितना आ जाएगा 1000, तो एक जीरो बढ़ गया पॉइंट हटाते ही, 1000 से 1000 कैंसिल, और 49 को इससे करोगे तो कितना आएगा 1/2, दैट मीन 0.5 m लिख दो, या फिर क्या लिख सकते, और मोल पर लीटर भी लगा सकते, कोई भी एक यूनिट लगा दो, दोनों मत लगाओ, कोई भी एक यूनिट लगा दो। अच्छा एक चीज और देखो, 0.5 m आ रहा है, ठीक है 0.5 m आ रहा है, तो इसको हम यू भी तो लिख सकते हैं 1/2 m, इसको यू भी तो लिख सकते हैं m/2, एक ही चीज है ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन को m/2 भी कह सकते हैं, और m/2 जो सॉल्यूशन होता है ना उसको कहा जाता है सेमी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, सेमी मोलर सॉल्यूशन, ये चीज भी ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर मान लो आपके पास 1 m लिखा है तो ये क्या भाई मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, और अगर आपके पास 1/2 आ गया m तो यानी सेमी मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर आपके पास में m/10 आ गया तो क्या हो जाएगा, डेसी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, और अगर m/100 आ गया तो क्या बोलेंगे, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, ये मोलरिटी को ही बताते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, समझ में आ गया, कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं है तो गुड कर देना, नाइस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आपने, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक डेंसिटी वाला और देख ले, नहीं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल हो गए। अब अगर मान लो आपके पास मोलैरिटी में कहीं डेंसिटी आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो कितना 50 मिनट का तो हो गया होगा आई थिंक, ओके तो पूरा 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा अपना ये, तो आगे देखते हैं हम लोग, यस एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंदर हमें
क्या करना है, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, मास गिवन है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन आपको दिया गया है, वही एनएलसी ले लेते, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, बाकी तो आप कर ही सकते हैं वैसे। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, 20 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन वाटर, इसको पानी में डिजोल्व किया आपने, डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने 20 ग्राम NaOH को पानी में डिजोल्व कर दिया, ठीक है। और साथ में दिया है कि डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी है। और आपसे पूछा है फाइंड इट्स मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी फाइंड करो कितनी होगी। अब मोलैरिटी फाइंड करने के लिए वापस फॉर्मूले पर आ जाए, आप लिखोगे WB into 1000 divided by MB multiplied by VMLB, ये फॉर्मूला है। अब देखो आपके पास क्या क्या है, ठीक है, जो आपके पास वैल्यू है उसको यूज करके और इसमें पुट करते हैं। यस देखें, तो यहां पर देखो फर्स्ट WB गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, 20 ग्राम, ठीक है ना, सॉल्यूट गिवन है 20 ग्राम। फिर आपके पास क्या गिवन है, देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया WA+B, 100 ग्राम सॉल्यूशन आ गया, ठीक। और MB यानी मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का, अपन ने पहले फाइंड किया था 40 होता है, 40 यूनिफाइड मास। अब एक प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हमें चाहिए वॉल्यूम और हमें दे रखा है सॉल्यूशन का मास, ठीक है, साथ में डेंसिटी दी हुई है थोड़ी हेल्प के लिए। डेंसिटी कितनी, 404 नहीं है, ध्यान रखना यू है वो, है ना। तो हमें डेंसिटी दे रखी है D=1.25 ग्राम पर ml, ये आपको गिवन है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और मास कितना है आपके पास, मास आपके पास है 100 और डेंसिटी है 1.25, ठीक है। और ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं वॉल्यूम की जगह, आप देखो किस तरह से करेंगे, तो WB इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB है आपके पास कितना, 40 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है 100, देन 1.25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, ये लो जी, ठीक है। अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 40/4 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, और इसको भी अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ गया, 5 × 1.25, और अगर 5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक ये आना चाहिए आपके पास, कितना आना चाहिए, 6.25 आना चाहिए क्या, मोल पर लीटर, आप मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, गलत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि सर ये सही मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे सही होना चाहिए, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया मोलैरिटी से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल। अब मेरा मन कर रहा है एक न्यूमेरिकल और करा दूं आपको, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चलो न्यूमेरिकल नहीं कराता हूं मैं, एक काम करता हूं कि आपको दो फॉर्मूले और बता देता हूं, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको मैं वर्कशीट में प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो न्यूमेरिकल आप कर लो, ठीक है, या अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दे देंगे। चलिए देखो अब क्या होता है, जैसे हमें मोलैरिटी फाइंड करना तो आ गया, अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मतलब फाइंड करने के लिए दी जाए, कभी ऐसा भी हो जाता है आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दे दें जिसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट करने के बाद उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछ ली जाती है, तब आप उसकी मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, तो जैसे हम यहां इसको फॉर्मूले को नाम देते हैं मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन पर मोलैरिटी कैसे फाइंड करें। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर को ऐड करते हैं यानी उसको डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने पर हमेशा ध्यान रखें कि मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम ये माने कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी मोलैरिटी M1 है, ओके, और वॉल्यूम जो है वो V2 है,
कि पेन का कलर ही चेंज हो गया, कोई बात नहीं, चलिए पेन दूसरा ले लेते हैं। तो हम कह रहे हैं वॉल्यूम जो है वो वी टू है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इसका डाइल्यूशन करता हूं, तो नेचुरल डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, तो और मोलैरिटी भी चेंज होगी। अब जो नया आपके पास सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 हो गया। इसको ऐसे समझो, देखो और सिंपल वे में, जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास वॉल्यूम V1 है, ठीक है, और इसकी मोलैरिटी जो है वो M1 है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर के अंदर वाटर को ऐड कर देता हूं, ठीक है, और वाटर जो ऐड कर रहा हूं मैं दूसरे कंटेनर से ऐड कर रहा हूं, ठीक। और अब दूसरे कंटेनर से ऐड करने के बाद में अब मेरे पास में जो अब ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, नेचुरल इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, और मोलैरिटी क्या हो गई इसकी, M2 हो गई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मैं यहां पर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका, तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो तो कॉन्स्टेंट रहता है। एक सिंपल सी बात बताएं, आप देखो मैं कह रहा हूं जैसे 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर 4 करता हूं तो मैं यहां 20 कर दूंगा। तो आप देखो मैंने अगर इसको बढ़ाया, इस वैल्यू को 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया, तो ये 8 से घट करके कितना हो गया, 4 हो गया। और अगर मैं यहां पर 40 कर देता हूं और बढ़ाता हूं तो ये और डिक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो दोनों सबका 80 रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनका जिस तरह से जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो वैसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो डाइल्यूशन करने के बाद जो नया आएगा आपके पास में M2 और V2, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। अब अगर मान लो इस केस में आपको कहा जाए कि जो आपके पास सॉल्यूशन है M2, आपको इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, M1 V1 और अपॉन V2, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। आपको अगर M2 फाइंड करना है तो M1 V1 को तो आप यहां रखो और अपॉन में V2 को यहां रखो, फाइंड हो जाएगा। अब यहां इनका मतलब भी समझ लेना, तो M1 क्या है आपके पास में, M1 इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है ना, डाइल्यूशन से पहले इसकी मोलैरिटी है। और V1 क्या है, V1 इज वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले वॉल्यूम है। अब M2 क्या है, M2 इज मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी है। और V2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है वो आ जाएगा ही। तो इस तरह से इन सबका मतलब पता चल गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है, तो यानी हमें मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपके पास, दूसरा फॉर्मूला देखो, ये तो हो गया मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपके पास दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है, उनको मिक्स करें, ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन having two different solution, दो different solution जिसके अंदर अपन ने add किए हैं उसकी molarity देख रहे हैं। अब इसको समझो आप, जैसे मान लो मेरे पास एक container में यहां एक solution है M1 V1, ठीक है, इसकी molarity M1 है और इसका volume V1 है। आपने दूसरे container में solution लिया है, इसकी molarity M2 है, इसका volume क्या है, V2 है। अब दोनों को आपस में मिक्स कर दो, आप एक नया सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, मिक्स करने के बाद में एक नया डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना यहां डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो यहां पर इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा भाई, वी वन प्लस वी टू, दोनों का वॉल्यूम एड होकर के नया वॉल्यूम बन गया। और मोलैरिटी क्या हो गई, मोलैरिटी में M1 प्लस M2 थोड़ी लिखूंगा, अब इसकी मोलैरिटी एक अलग ही मोलैरिटी बन जाएगी M, ठीक है ना, जो सेपरेट डिफरेंट मोलैरिटी है इन दोनों से। तो इसका मतलब फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो आपने M1 V1 इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया, M2 V2, और इससे जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी M हो गई है और वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया है। और अब आपको कहा जाए कि इस नए बने हुए सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे, इस M को आप बाहर ले लें,
तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v1 अपॉन v2, ये लो जी, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया इसमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो m1 मतलब पहले वाले सॉल्यूशन की पोलैरिटी, m2 दूसरे सॉल्यूशन की पोलैरिटी, v1 पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, v2 दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और m नई सॉल्यूशन की पोलैरिटी, ठीक है। तो अगर आप m फाइंड कर लेंगे तो आपके पास दो डिफरेंट मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन को ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया कि मोलैरिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज मिलेगी या वर्कशीट मिलेगी उसको सॉल्व जरूर कर ले, और अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।